हाय, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिस वीडियो में हम CFA इंस्टीट्यूट का इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। CFA इंस्टीट्यूट ने इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर रखा है। आप विदाउट एनी फीस पे किए इस कोर्स को कर सकते हो। एंड अगर आप फाइनेंस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो तो आपके रिज्यूम में एक वैल्यू एड ऑन करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CFA इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन प्रोग्राम। एंड यहाँ पे दिस जीरो कॉस्ट ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस इज डिजाइन फॉर एनीवन हु वांट टू इंटर और एडवांस विद इन द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री इंक्लूडिंग IT, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग। कैंडिडेट हु सक्सेसफुली पास द ऑनलाइन एग्जाम ऑन द CFA इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ देख सकते हो। एंड यहाँ पे डाउनलोड चैप्टर्स फॉर द कैरिकुलम फॉर फ्री। कैंडिडेट के सारे रिसोर्सेज है, PDF फाइल्स आपको मिलेंगे। एंड इसमें ना आपको 2 बार MCQ देना पड़ेगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट जब आप मॉक टेस्ट पे आप 60% एंड एबव मार्क्स लेके आओगे तो फिर आप फाइनल एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। एंड ये आपके चैप्टर्स के समरी है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। टोटल 20 चैप्टर्स हैं ड्यूरिंग द स्टडी। आप देख सकते हो चैप्टर 20 तक है। तो ये सारे कुछ आपको पढ़ने हैं ड्यूरिंग दी स्टडी। एंड मुझे लगता है कि अगर आप फाइनेंस प्रोफाइल में जाना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको जाना है CFA इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन प्रोग्राम्स के आप बेनिफिट देख सकते हो, एग्जाम्स के बारे में देख सकते हो, रिसोर्सेज के बारे में देख सकते हो। एंड आप पूछोगे इनरोल कैसे करना है, जस्ट आपको यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है एंड ऑनलाइन आप इनरोल कर जाओगे। जैसे आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हो, किसी और सोशल साइट पे अकाउंट बनाते हो, सेम लाइक दिस यहाँ पे भी बस नॉर्मल आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। एंड आपको रजिस्टर करने के बाद आपको स्टडी मैट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सारे रिसोर्सेज को एक्सेस करने का आपको अथॉरिटी मिल जाएगा, आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या चीज़ें आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। कॉन्फिडेंस, क्लेरिटी, कोलाबरेशन, ये सब कुछ। What does the CFA Institute Investment Foundation exam look like? आप यहाँ से एग्जाम डिटेल्स भी देख सकते हो। CFA Institute, wait at least 30 days for the time of registering. Obtain a score of 70 or better on mock test exam 1 and 70 or better mock test exam B. पहले 70 नहीं था, पहले 60 था, अब इन्होंने 70 कर दिया सर। ईच रजिस्ट्रेशन अलाउ यू 2 अटेम्प्ट्स टू पास। यू मे रिपीट द एग्जाम विदाउट री रजिस्टरिंग एज लॉन्ग एज इट इज विद इन द 180 डेज विंडो। यू कैन ओनली रजिस्टर ट्वाइस इन ए 12 मंथ पीरियड। तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप 2 बार आप एग्जाम दे सकते हो। आपको दोबारा एग्जाम देने के लिए री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा, लेकिन हाँ सेकेंड टाइम के बाद आप फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एंड यू कैन ओनली रजिस्टर ट्वाइस इन ए 12 मंथ पीरियड, यानी आप 6 मंथ में एक बार रजिस्ट्रेशन और फिर से 6 मंथ में आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यानी पूरे साल में आप यू कैन ओनली रजिस्टर ट्वाइस, 2 बार ही आप कर सकते हो। द फाइनल एग्जामिनेशन इज अ मल्टीपल च्वाइस इंक्लूडिंग 100 मार्क्स क्वेश्चंस टू बी कंप्लीटेड इन 100 मिनट्स। अपलोड सक्सेसफुली पासिंग द फाइनल एग्जामिनेशन कैंडिडेट कैन क्लेम ए डिजिटल बैड एंड ए प्रिंट सर्टिफिकेट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन प्रोग्राम। उसके बाद वेवर एंड कंटिन्यू एजुकेशन के लिए भी कुछ इसका एडवांटेज मिल जाएगा। अगर आप फर्दर CFA इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स करना चाहते हो तो आपको कुछ एग्जेम्पशंस भी मिल सकते हैं, ये इन्होंने दे रखा है उसके बारे में। योर करेंट और पास्ट पार्टिसिपेंट्स इन CFA इंस्टीट्यूट एजुकेशनल प्रोग्राम में एनेबल यू टू वेव सर्टेन रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटिंग प्रोडक्ट सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लोर एग्जेम्पशंस एंड वेवर्स ऑफर्ड बाय रेगुलेटर्स एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन 40 countries एंड regions एंड अवेलेबल टू मेंबर एंड कैंडिडेट। तो 40 countries के बारे में यहाँ पे लिखा होगा, सब कुछ mentions किए होंगे। आप यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो सारे एग्जेम्पशंस। ये जो 162 है CFA प्रोग्राम, CFA चार्टर होल्डर, आपने इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन 4 जगह यहाँ पे दिखा रहा है सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन। तो यहाँ पे इन सारे जगह पे आपको कोई एग्जाम नहीं देना होगा अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं।
बाकी आप इसके ऊपर आप और रिसर्च कर सकते हो, आपको बस प्रोग्राम्स में जाना है, यहाँ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स के बारे में आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, आप सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हो। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, आप आराम से इसमें इनरोल करो, इसके स्टडी मैट आप डाउनलोड करो, पढ़ाई स्टार्ट करो, एंड देन आप इसके एग्जाम्स आप दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।